सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको भारत के मशहूर जादूगर ओपी शर्मा का मैजिक शो दिखाने गाजियाबाद लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको मैजिक शो दिखाते हुए लोकेशन, टिकट प्राइस, टाइमिंग वगैरह की जानकारी भी आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, दिल्ली शहर में घूमने की नई और यूनिक जगहों के बारे में जानने के लिए। गाइस, यहाँ का जो लोकेशन होगा वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम एवं सिटीजन क्लब गाजियाबाद का होगा। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें तो शहीद स्थल नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा। यहाँ से ऑडिटोरियम तक की दूरी 4.5 किलोमीटर होगा। टिकट काउंटर के सामने आप यहाँ पे पार्किंग एरिया देख सकते हैं। पार्किंग चार्ज 2 व्हीलर के लिए 20 रुपए रहेगा और 4 व्हीलर के लिए 50 रुपए रहेगा। गाइस, आप यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं, रोजाना यहाँ पे 3 शो चलता है। पहला शो 1 बजे, दूसरा शो 3:45 और जो तीसरा शो होगा वो 6:30 पे होगा। अगर आपको एडवांस में बुकिंग करना हो तो सुबह 10 बजे इस नंबर पे कॉल करके आप बुकिंग कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन टिकट आप www.magicianopsharma.com वेबसाइट पे जाके भी खरीद सकते हैं। तो गाइज, आप यहाँ पे आके ऑफलाइन काउंटर से भी टिकट बुक कर सकते हैं। रॉयल टिकट 500 का होगा, गोल्ड टिकट 300 का होगा और सिल्वर टिकट 150 का होगा। अगर आप magicianopsharma.com वेबसाइट से टिकट आपने खरीदा होगा तो मेल पे आपको टिकट मिल जाएगा। बाकी आपको यहाँ पे जो टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर के जस्ट राइट साइड में आप यहां से ना वो मेल दिखा के इस तरह का टिकट आपको लेना होगा। 3 साल से बड़े बच्चों का टिकट पूरा लगेगा, 3 साल से नीचे के बच्चों का टिकट फ्री है। चलते हैं अंदर और आप लोगों को पूरा शो दिखाते हैं। चलते हैं अंदर और शो स्टार्ट होने वाला है 6:30 बजे। तीसरी शो पे मैं आया हूँ। बाकी यहाँ पे ये यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाया गया है एक। ये पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स भी आप खा पी पाएंगे। कितने का होगा ये पॉपकॉर्न, कितने का होगा? 50 का। चलते हैं अब अंदर गेट नंबर 1 से। देखिए ओपी शर्मा, आप सभी मेरे हैं और मैं आपका हूं। आज इसी भावना से आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। तो लीजिए, सबसे पहले पेश है समथिंग फ्रॉम समथिंग। नो मिसिंग जादूगर के पास जादू की छड़ी तो होनी ही चाहिए थी। हाँ, नहीं थी तो आ गई। इस छड़ी से आपको हिप्नोटाइज, मेस्मराइज और आइस पैरालाइज कर दूंगा। जादूगरों ने अपने अलग अलग प्रयोग किए। किसी ने लड़की को टुकड़ों में विभाजित किया, नाम दिया जिगसैग लेडी। तो किसी जादूगर ने लड़की को अलग अलग आकृतियों में, स्वरूपों में परिवर्तित किया, नाम दिया ज्योमेट्री लेडी। तो किसी जादूगर ने लड़की को पूरा सीधा खड़ा करके ऊपर से केवल सर को पूरा गोल चक्कर घुमा दिया और बोला जिगलिंग लेडी। लेकिन आपका ये छोटा कलाकार इन सभी चमत्कारों को एक नए रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। भाई देखते हैं इन न्यू क्रिएशन, इन इल्यूशंस, इल्यूशंस।
इस आइटम को आपसे चेक कराने के लिए चाहेंगे कि आप दर्शकों के बीच कोई भी एक 16 से 60 साल के बीच की जो एक लेडी आ जाए इस मंच पर से चेक करने के लिए। यारी जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग इनके लिए। सच करके देखिए, हाथ असली है, दूसरा हाथ भी असली, तेरा फेस गालों को टच करके देखिए असली, इधर असली। अभी बोलेंगे 1, 2 और 3, जैसे थ्री बोलेंगे आप लोग अपनी तालियों से हमारी ताल के साथ ताल मिलाइए, तो देखिए आगे होने वाले चमत्कार को। 1, 2, 3 एक बार फिर से चेक कीजिए, देखिए हाथ वही है, फेस भी वही है। थैंक यू, प्लीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं अपना अगला प्रोग्राम।
आपके शहर में इस बार 13 सालों के बाद अपने ये शो लेकर आए हैं और बहुत कम दिनों के लिए इस बार आना हुआ है। रोजाना 3 शो, पहला दोपहर में 1 बजे, उसके बाद दूसरा शो 4:15 बजे और तीसरा और अंतिम शो शाम को 6:30 बजे। और आप सभी की सुविधा के लिए एडवांस बुकिंग सुबह 10 बजे से यहाँ हॉल पर और ऑनलाइन टिकट बुक कराने के लिए magicianopsharma.com पे लॉगिन करके वहां से आप ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं। इसके अलावा बुक माई शो पर भी हमारी टिकटें उपलब्ध हैं। तो आइए अब हम आपको लेके चले अफ्रीका और वहां जाके देखते हैं कि क्या क्या देखने को मिलता है। सो नाउ लेट्स टेक यू टू अफ्रीका 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 यो यो। पुराने समय में जी मरने के बाद शरीर में तरह तरह के केमिकल मसाले लगाकर उसे एक लकड़ी के ताबूत में बंद करके वर्षों तक बहुत ही संभाल के रखा जाता था, जिसे हम लोग मम्मी के नाम से जानते हैं। इजिप्ट देश की राजकुमारी, जिसे देश विदेश सैर करने की बहुत तमन्ना थी, उसकी इच्छा थी कि वो हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखे और इसी हिंदुस्तान की पवित्र धरती से स्वर्ग जाए। लेकिन राजकुमारी की ये तमन्ना उसके दिल में ही रही और राजकुमारी परलोक से भाग गई। मरने के बाद उसकी मम्मी को इजिप्ट से यहाँ हिंदुस्तान लाया गया। फिर उस मम्मी का क्या हुआ आप भी देखें। मम्मी मिस्ट्री 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 देश की राजकुमारी, आज मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर रहा हूं।
तुम्हारी पहली इच्छा कि तुम इस हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखो, तो राजकुमारी आओ आओ अपने असली रूप में, राजकुमारी आओ आओ आओ। देश की राजकुमारी जाओ जाओ इस हिंदुस्तान की सैर करो, राजकुमारी जाओ 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 जाओ, राजकुमारी जाओ जाओ। नीचे नीचे ठीक है। चांद चांद सितारे 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 गगन तुम्हारी राह देख रहे हैं, जाओ राजकुमारी। तुम्हारी पहली इच्छा कि तुम हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखो पूरी हो गई। दूसरी इच्छा इसी हिंदुस्तान की पवित्र धरती से स्वर्ग जाओ, तो राजकुमारी अपने मृत शरीर को इसी धरती पर त्याग दो और जाओ वापस स्वर्ग। राजकुमारी जाओ 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 भाई। चलते हैं छाया की दुनिया और छाया के संसार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि छाया ये कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती, जहां हम जाते हैं हमारी छाया साथ साथ चलती है। भाई हम आपको दिखाएं इसी छाया पर आधारित अपने ये अगला प्रयोग, शैडो टू लाइफ इल्यूजन इल्यूजन।